हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गर्मी का मौसम देखते हुए स्पेशल आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ, कस्टर्ड आइसक्रीम, जो कि बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है कस्टर्ड आइसक्रीम। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए हमने लिया है आधा लीटर दूध, आधा कटोरी चीनी, 3 चम्मच हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर, ये हमने वैनिला फ्लेवर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, और ये हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है, बादाम, काजू और पिस्ता, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये हमने वैनिला फ्लेवर लिया है, ये ऑप्शनल है, इससे कलर में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। वैसे हमारा कस्टर्ड भी वैनिला फ्लेवर है। तो चलिए बनाते हैं कस्टर्ड आइसक्रीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई को गैस पे रख लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। थोड़ा सा दूध हमने ठंडा बचा लेना है, जिसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर घोलेंगे। इसको एक उबाल आने दें, दूध बॉयल होता है तब तक हम इस कस्टर्ड पाउडर को घोल लेते हैं ठंडे दूध के अंदर। याद रहे कि इसे ठंडे दूध के अंदर ही घोलना है, हमने इसे गर्म दूध में नहीं डालना, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि दूध जो है वो बॉयल हो गया है हमारा, इसके अंदर हम कस्टर्ड का घोल डालेंगे और साथ ही साथ हम खिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। इसमें हमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि कलर जो है इसी से ही अच्छा आ गया है, नेचुरल कलर है ये, और कस्टर्ड डालते ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी है ये आइसक्रीम बनानी, बहुत जल्दी बनती है। अब इसके अंदर हम हल्का सा वैनिला एसेंस डालेंगे, जिससे कि फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप जो फ्लेवर पसंद करते हैं वो फ्लेवर डाल सकते हैं, जैसे कि बटर स्कॉच डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और ये कस्टर्ड आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए रख दें, रूम टेम्परेचर पर जब आ जाएगी फिर हम इसे किसी भी बर्तन में डालकर जमाने के लिए रखेंगे। ये हमारा कस्टर्ड जो है ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, इसे हम एक बर्तन के अंदर डालकर फ्रिज में रखेंगे। इसे हम इस तरह से बंद करके एयर टाइट बॉक्स में हमने डाल दिया है, इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। वैसे आइसक्रीम हमारी 8 घंटे में जमती है, बट हम 2 घंटे के बाद एक बार इसको निकाल के फिर आपको दिखाएंगे। 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे के बाद हम इसको खोल कर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो कस्टर्ड आइसक्रीम थोड़ी थोड़ी जम चुकी है, बट आप ये देखें कि ये देखो पानी है जो अंदर जम जाता है और इसी से आइस जमती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्लेंडर चलाएंगे। हमने इसे अच्छे से हिला दिया है और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ड्राई फ्रूट। ये हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाएंगे ताकि जो पानी है वो अंदर बिल्कुल ना जाए। इसके ऊपर हम प्लास्टिक रैप भी लगा सकते हैं, ये हमने फॉइल पेपर को लगा दिया अच्छे से। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से एयर टाइट जो कवर है इसका वो लगा देना है। इस तरह से हम इसको फ्रिज के अंदर अब 4 या 5 घंटे के लिए रख देंगे और आइसक्रीम हमारी तैयार हो जाएगी। पूरी रात रखने के बाद हम देखते हैं हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम तैयार है। आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम जो है वो पूरी तरह से जम चुकी है। इसे हम सर्व करने के लिए इस तरह से निकाल लेते हैं। ये हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम बनकर तैयार है। इसे हम टूटी फ्रूटी से गार्निश कर रहे हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट हमने ऑलरेडी बीच में काफ़ी डाला हुआ है। ये हमारी सर्व करने के लिए आइसक्रीम तैयार है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।